आज सुबह सुबह क्या हुआ है, सर्दी में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह इतनी धुंध आई है जमकर खूब। यहाँ से एबी का दो देखते हैं, यानी कि 30 पाउंडे देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी सुबह सुबह रामकुआर गया हुआ था बड़े भाई को छोड़ने के लिए, ताऊ का लड़का था खेतराम, वो गया आज सूरतगढ़। और सूरतगढ़ हम भी कल तैयार हो नहीं जा पाए, और वीडियो आपको सूरतगढ़ की नहीं दिखा पाए क्योंकि हम कल गए भी नहीं थे, इसीलिए हम आपको दिखा नहीं पाए। अगर जाते तो सूरतगढ़ आपको जरूर दिखाते, लेकिन आज गए ही नहीं। बाइक भी पंचर होगी और आंखों गया वापस लेकर बाइक को, अभी पंचर कटवा कर लेकर आएगा। और आज हमें जाना है काम पर खिंचिया, तो अभी खाना खुना खा लिया सभी ने, और उसके बाद भी हम चलते हैं खिंचिया गाँव में, सामान ले लेते हैं और चलते हैं। उससे पहले मैं, मुझे नहाना भी है, अभी मैंने पानी गर्म कर दिया नहाने के लिए, इधर इंतजार कर रहा है, अभी नहा लेते हैं और चलते हैं। आज सूरज भी कम दिखाई दे रहा है इधर, देख सकते हैं आप, क्योंकि खूब जमकर धाम रही है आज पहली बार। अभी क्या बाल्टी ले लेते हैं नहाने के लिए, ये देखिए इधर बाल्टी पड़ी है, और नहा लेते हैं, और अभी हमें जाना भी है तो लेट हो रहे हैं, और पानी ले लेते हैं और चलते हैं, उसके बाद में हम मिलेंगे आपको। आज खिंचिया गाँव हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में नाम लिखना है हॉस्पिटल का, तो रात फोन आया था 2-4 जगह और हॉस्पिटलों में नाम लिखना है, तो चलते हैं नहाने के बाद। और पानी भी हमारा ज़्यादा गर्म है, तो इसी को ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद में हम नहाएंगे, और नहाने के बाद में हम चलेंगे हॉस्पिटल सीधे। और अभी काम पर जाने के लिए इधर देख सकते हो आप, बैग निकल गया बाहर, ये किट हमने बाहर निकाल लिया, और अभी डब्बे डुब्बे डाल रहे हैं इंद्राज अंदर बैग में, और बाइक भी घर पर आ चुकी है। अभी पेंचर निकला है, आगे 2 पेंचर निकल गए, और अभी नहा भी लिया हूँ। और अभी क्या है, अभी चलेंगे हम खिंचिया गाँव में हॉस्पिटल की लिखाई करने के लिए। बिंगी चेन तो है सच्ची बात, इकन है नहीं खुल जाए आठ बिचारों इसी हुए चेन इंगा तो चिड़ 50 रुपये लिया गया, कितना लिया गया हम बे निकल जाए कितना लिया गया जाए दूर दूर 50 लिया नहीं बात 20 रुपये गया जना खुले आप 50 रुपये गया मेरे कने देखा। और धूप भी अच्छी खिल गई है, ये देख सकते हो। अभी माया जी लगे हुए हैं इधर बर्तनों की साफ सफाई करने में, ये देखिए। छोटा होता मन कहता श्री गंगानगर श्री विजयनगर में राइस लगा के श्री लगा दियो मस्त तो श्री खुद लगाना फिर संध्या। चलिए फाइनली हमारा यहाँ का कलर हो चुका है, और अभी हम जाएंगे 34 NP, ये देखिए सामान सेट कर लिए, और अंदर भी एक सूचना पट लिखना था वो भी लिख दिया इधर, और अंदर समय सारणी वो भी कर दिया। अभी हम आ चुके हैं 34 NP, तो 34 NP क्या है, यहाँ घोड़ी पेड़ी जाली नहीं है, तो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाएगी उसके बाद में ऊपर लिखाई करने के लिए लगेंगे। यहाँ की बिल्डिंग बहुत ऊंची है, तो इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं इसी करने का, आ जाएंगे तो लिखेंगे। अभी फ़िलहाल ट्रैक्टर है हमारे पास और कुछ नहीं है, देखते हैं इसके हुड पर रखेंगे जाली और उसके बाद में लिखाई करेंगे। और टावर से ठीक है सले फिर हम, तो अभी आप देख सकते हो हमें इस प्रकार यहाँ व्यवस्था मिली है, इंदिरा चढ़ा हुआ ऊपर उप स्वास्थ्य केंद्र मिटाने के लिए, और इधर हमने 2 स्टूल लगा लिए, और उस पर इधर जाली रख दी है, उधर ट्रैक्टर लगा लिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार है। और उप स्वास्थ्य केंद्र ऊपर लिखा हुआ था वो मिटाया है, उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे रेड कलर से दोबारा, तो दोबारा लिखना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर,
तो वही नाम लिखना है। उससे पहले मैं बनाऊंगा सूचना पट और समय सारणी, वो बनानी है यहाँ पर। तो अभी क्या है, मैं नीचे और अभी ऊपर चढ़ जाता हूँ, उसके बाद में लिखाई करेंगे। अभी टाइम तो लग गया, कलम समय में पौने घंटा हो गया। हमारा यहाँ का काम भी कंप्लीट हो चुका है, अभी हम जाएंगे यहाँ से घर पर, क्योंकि बाहर हो चुका है अंधेरा, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है ना। ऊपर से मैं दिखा देता हूँ आपको, धुंधलापन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ऊपर का पूरा कंप्लीट कर दिया वैसे। और चलिए रखते हैं वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें।